गुड मॉर्निंग फ्रेंड, अभी सुबह का बज रहा है 6:15 और मैं सुबह सुबह उठ के सब काम हो चुका है। अब मैं आ गई हूँ बाथरूम में ब्रश करने। देखिए हम लोग टैप में इस तरह का पाइप लगाते हैं, वो क्या होता है डायरेक्ट वो नल से पानी थोड़ा नीचे जाने से थोड़ा कैसे प्रेशर पड़ता है, तो हम लोग ये देने से थोड़ा सुविधा होता है। ये टैप में ये दे दीजिएगा, पाइप दे देने से डायरेक्ट मतलब नीचे जिसे पेड़ धोना हो पूरा छिटका पड़ता है ना, उस टाइप में पड़ता है। तो मेरे हस्बैंड ऐसे लगा देते हैं हर टैप में। तो देखिए इस तरह से लगाया हुआ है। सुबह सुबह उठने से घर का सारा काम जल्दी हो जाता है। देखिए फ्रेंड, ये मेरा सुबह का श्रृंगार है जो मैं नहा धोवा के करती हूँ। थोड़ा सा क्रीम लगाती हूँ और श्रृंगार कर लेती हूँ, इसलिए कि पूजा करने से पहले मैं आगे श्रृंगार कर लेती हूँ। बोलते अच्छा है पूजा करने से पहले श्रृंगार कर लिया जाता है तो अच्छा होता है। तो मैं जब भी नहा के निकलती हूँ सबसे पहले सिंदूर बांध लेती हूँ, सिंदूर लगा लेती हूँ, क्योंकि वो सबसे पहले मतलब काम सब करने के बाद फ्रेश होने के बाद आगे श्रृंगार कर लेने से क्या होता है, और उसके बाद पूजा कर लेते हैं ना, तो उसके बाद हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो इसलिए मैं नहा लेने के बाद मैं आगे श्रृंगार कर लेती हूँ, उसके बाद पूजा करती हूँ। देखिए अर्नब अभी जस्ट पढ़ के उठा, सुबह से पढ़ रहा था, वो देखिए खाते खाते भी उसका ध्यान पढ़ाई में ही है। तो अब नाश्ता कर रहा है, नाश्ता करने के बाद अभी तो टाइम है स्कूल जाने के लिए, अभी और 2-3 घंटा टाइम है। देखिए अर्नब ने नाश्ता कर लिया है, ये मेरे गोदी में आके बैठा है। बोलिए तो आप लोग का बेटा बेटी बाबू लोग ऐसे आके गोदी में बैठता है अभी भी? देखिए मेरा रहा तो बैठता है, बोलता है कि बहुत अच्छा लगता है मम्मा गोद में बैठने के लिए। देखिए बैठा है, अब ये पड़ा है, पढ़ के उठाया, अभी वो थर्मामीटर देख रहा है कि बुखार आ रहा है कि नहीं बोल के लेकिन बुखार नहीं है अभी अर्नब का, 91.9 है अभी, बुखार नहीं है। देखिए ये क्या कर रहा है थर्मामीटर लेके। अब स्कूल जाएगा, स्कूल जाके 3-3:30 बजे आएगा मेरा बाबू। देखिए ये देखो, ये लड़का स्कूल जाता है डेली, ये क्या आवाज आ रहा है थर्मामीटर का, 90.2। बेटा छिटो पड़ दो। ठीक है फ्रेंड, तो हम लोग जा रहे नाश्ता करने, अर्नब तो कर लिया है। Thank you.
अर्णव जब स्कूल जाता है पूरा फुल एनर्जी के साथ जाता है, पूरा खुशी खुशी जाता है। उसका एक आदत अच्छा है, वो स्कूल जाए, डांस क्लास जाए, खेलने जाए, वो हमेशा मतलब फुल एनर्जी के साथ जाता है, खुशी खुशी। अर्णव को तो छोड़ने के लिए गए पापा स्कूल, और वहीं से पापा का थोड़ा ऑफिस में काम है, तो पापा बेटा दोनों निकल चुके हैं घर से, और मैं डाइनिंग टेबल साफ कर रही हूँ, जो कि ये डाइनिंग टेबल है, पर हम लोग ज़मीन में बैठ के ही खाते हैं। मुझे ज़मीन में बैठ के खाना थोड़ा सुविधा लगता है, पर डॉक्टर मेरे को ज़मीन में बैठना थोड़ा मना किए हुए हैं स्लिप डिस्क के लिए, फिर भी मैं ज़मीन में बैठ के ही खाती हूँ, कम्फर्टेबल लगता है, पलटी मार के मतलब हम लोग खाते हैं तीन जन आराम से। और ये थोड़ा सा ई हो जाता है सुबह रात भर, मतलब बच्चा लोग खेलता है शाम को, तो मैं मिला देती हूँ, और विंडो सुबह को थोड़ा खोल देती हूँ, क्योंकि अंदर से बाहर से फ्रेश फ्रेश हवा आता है अंदर। और उस साइड में मेरा ये है बालकनी है, और ये रहा मेरा छोटा सा टेबल जिसमें मैंने छोटा छोटा सा प्यारा प्यारा पौधा रखा है, और तीन वो जो छोटा सा टकलू होता है ना बुद्ध जी जैसे छोटा छोटा गुड्डा, वो रखा है मैंने। और ये रहा अर्णव का रूम, जो रात को ट्यूशन कर लेने के बाद वो साइना के साथ बैठ के खेलता है कैरम बोर्ड, वो भी हो जाने के बाद फिर खाना खा लेने के बाद मम्मा पापा के साथ खेलता है, वहीं पर ऊपर में बैठ के कैरम बोर्ड खेलता है। तो अर्णव का रूम को मैंने साफ कर दिया है, देखिए अर्णव का रूम साफ हो गया है, अब सिर्फ उसके उसको बुक जो है वो सब मिला के रखना पड़ता है, बच्चे है वो सब नहीं कर पाता है, वो ट्यूशन पढ़ता है तो उसका बुक सब फैल जाता है। तो ये रहा अर्णव का रूम, ये छोटा सा अलमारी अर्णव का रूम में रख दिया है, आप लोगों को तो दिखाया था उस दिन भी। और ये कूलर, ये कूलर तब का है जब अर्णव मेरा पेट में था, तब का ये कूलर है। आ गया अर्णव, अर्णव आ गया, और पापा, पापा को देखिए, ये रहा पापा। कितना वेट है बोलिए तो? 5 किलो से ज्यादा है ना, 5 किलो से भी ज्यादा होगा, क्योंकि ये लोग का 6 बुक 6 कॉपी वाटर बोतल टिफिन तब इतना सब लेने लेके जाता है। देखिए मेरा अर्णव का भेज भी गया पीछे भी। हाँ छोनी कैसा लगा स्कूल से पढ़ के आया, कैसा लगा? राजू नाम कमा से बोलो ना, मेरा बेटा है उसने चार्ज देखो तो बेटा को गंदा करता है बदमाशी करेगा या गंदा फेंकेगा या गंदा करेगा तो आप उनको ले जाएंगे किसके पास? प्रिंसिपल जी के पास। प्रिंसिपल सर? अच्छा प्रिंसिपल सर है, अच्छा प्रिंसिपल सर है ना मैडम है? प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल मैडम है, चेयरमैन सर है। हाँ, चेयरमैन सर को पास ले गुड इवनिंग फ्रेंड, अभी बन रहा है 6 मतलब 10 मिनट बाकी है, तो मैं अभी देखिए मैंने चाय बना लिया है, और हस्बैंड जी तो काम में है, और बच्चे का आवाज़ आप लोगों को सुनाई देता होगा, वो लोग हॉल रूम में खेल रहे हैं, 4 जन अर्णव मोनू सोनू और साहिल, ये लोग खेल रहे हैं, ये लोग क्रेम करके अभी जस्ट उठा है। आज भी मैं दिन में ऐसे सोती नहीं हूँ, थोड़ा जो ढलकती हूँ वो भी ढलक नहीं पाई, तो मैंने आज मतलब सब्जी बना लिया जल्दी ही, थोड़ा जाएंगे। और अर्णव का आज डांस क्लास है 4 बजे से था, और 6:30 बजे से है, तो वो 6:30 बजे जाएगा डांस क्लास, उसके बाद वहाँ से आके फिर वो ट्यूशन घर में ही पड़ेगा, तब तक मैं थोड़ा इवनिंग वॉक करके आ जाऊँगी अपने फ्रेंड से, उसके बाद रोटी बनाऊँगी गरम गरम, है ना? तो मैं अभी रखती हूँ, फिर बाद में मिलेंगे। अर्णव जा रहा है आज थर्सडे, 4 बजे क्लास है, 6:30 बजे का, तो 6:30 बजे वाला जा रहा है, देखिए पापा बांध रहे शूज का लेस,
हजुर ओ जति बजे पनि आन्छ छोरा न म त अहिले ग्राउन्डमा जान्छु देखे पापा बेटा दोनों निकल रहे हैं पानी लिया ओ बेस ओके मेरा अपना सो गया है उसको हम लोरी सुनाएंगे अब बचपन से सुनता है लोरी दूध में कटोरी दूध में बतासा मुन्ना करे तमाशा मुन्ना करे तमाशा दूध में बतासा दूध में बतासा देखो अर्नब ने खाना खा लिया और मम्मा पापा ने खाया हाँ मम्मा पापा ने भी खा लिया तो अब हम लोग जा रहे हैं गुड नाइट बोलने है ना बोल दो गुड नाइट फ्रेंड्स हाँ और कल फ्राइडे सेकंड सैटरडे नहीं लास्ट सैटरडे उसके बाद संडे है ना आप लोग भी रेस्ट कीजिए हम लोग भी रेस्ट करेंगे फिर सुबह को मिलेंगे तब तक के लिए